राजद नेता गौरी शंकर यादव अपने आवासीय कार्यालय में पब्लिक 24 के संवाददाता से वार्ता करते हुए सभी झारखंड वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री यादव ने लोकसभा चुनाव पर कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और हम लोग मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। देश में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। रांची से देवांश सिन्हा की रिपोर्ट। सभी देशवासियों को अपने तहे दिलों से हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं देता हूं एवं भगवान से विनती करता हूं कि 2024 हमारे देश के लिए खुशी और मंगल लेकर आए। सर 2024 में तो राम मंदिर भी 22 जनवरी को बन रहा है, उसमें जा रहे हैं। देखिए, न्योता मिलने से हमारे पार्टी के बहुत सारे लोग उसमें शामिल होंगे, हम लोग भी शामिल हो सकते हैं। भगवान तो सभी का है और हम लोग और ज़्यादा मानते हैं। हम लोग भगवान का पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं, वो तो अपना हमारा धर्म है, कर्तव्य है भगवान का पूजा करना। लेकिन कुछ लोग भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं, राजनीतिक रोटी सेकते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान को भी बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन उस तरह से नहीं होना चाहिए। जहाँ राजनीतिक है वहाँ सिर्फ राजनीतिक होना चाहिए। देश का जो जहाँ मामला है वहाँ देश का बात होना चाहिए। देश के लिए विकास, कैसे हमारा देश में विकास होगा, कैसे यहाँ का हमारे देश का युवा को रोजगार दिया जाएगा, उस पर बात होना चाहिए। मंदिर मस्जिद तो होते रहता है, सब कोई का अपना अपना धर्म है, सब कोई पूजा पाठ करता है। हम लोग तो पशुपालक हैं, गौ पालक हैं, हम लोग तो सच्चा भगवान का भक्त हैं, श्री राम का भक्त हैं, कृष्ण का भक्त हैं, जितने भी देवी देवता हैं सबका हम लोग तो भक्त हैं, उनका हम लोग वंशज हैं। तो हम लोग आज कोई हमको बताएगा कि हाँ भगवान के पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम लोग खुसर करते हैं। लेकिन हम लोग ढोंगी नहीं न हैं कि दिखावा करेंगे, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, ये सब हम लोग के पास नहीं है। सर 2024 लोकसभा के लिए सब कमर कस रहा है, जैसे कि आप मीटिंग थी, आज भी मीटिंग था, कांग्रेस के लोग गए थे, सुबोध कांत सहाय, राजेश ठाकुर सब गए हुए थे, सबका मीटिंग वीटिंग हो रहा है, जेएमएम भी अपना मीटिंग कर रहा है। लेकिन सर आप आरजेडी का क्या है, आरजेडी का ऐसा कुछ ऐसा क्या 14 सीट है, क्या 14 सीट पर लड़ेंगे, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, सबका लोकतंत्र में बोलने का हक अधिकार है, सबका मांगने का अधिकार है। हम लोग इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सभी दल हम लोग एक साथ हैं, कोई मतभेद नहीं है। सीट के रही बात, सबका अपना अपना मांगने का हक अधिकार है। तो कांग्रेस भी अपना मांग रही है, जेएमएम भी अपना चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, हम लोग भी चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग बैठ कर इसको समझ लेंगे। हमारे जो सुप्रीमो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जैसा निर्देश होगा, हम लोग उस निर्देश को पालन करने के लिए तैयार हैं। तो सर ये क्या कहा जाए यहाँ पर, जैसे सीट शेयरिंग का मतलब जैसे हो रहा है, जैसे आपका चतरा मांग रहे हैं, कोई डॉक्टरगंज मांग रहा है, तो क्या कुछ ऐसा बन रहा है काम? देखिए, समय पर सब कुछ आप लोगों को बता दिया जाएगा, कौन सीट हम मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं। अभी तो सब कोई अपना अपना मांग है, उस मांग को बताने से कोई फायदा है नहीं। हम लोग मिल बैठ कर जेएमएम का लोग, कांग्रेस का लोग और राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग मिल बैठ कर सब हल कर लेंगे। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जो तनासाहों का केंद्र में सरकार चल रही है, उस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी तो सर आप लोग पर दोष दे रही है, आप पर, कांग्रेस पर, राजद पर,
आपके आरजेडी पर, कांग्रेस पर और जितने पार्टियां हैं उस सब पर कि वो कुछ किया काम नहीं, ऐसे ही कर रहा है, राम भूमि का भी विरोध कर रहे हैं, कुछ भी हम करते हैं सही काम उसको विरोध करते हैं, वही तीन तलाक का विरोध किए, वही एसटी का विरोध किया, सब पर विरोध किए, वो तो सिर्फ यही बोलने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना बिल्कुल सही है, इसलिए सही है। और सर एक एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इस बार बाबूलाल मरांडी जो यात्रा कर रहे हैं बोल रहे हैं कि इस बार एकदम साफ, आप लोग एकदम साफ हैं, बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं आप समझे नहीं, वो बोल रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी साफ, अपने आप को साफ सफाइया दे रहे हैं ना कि हम लोग इस बार साफ, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ, तो स्पष्ट बोल रहे हैं, आप लोगों को बताने पड़ेगा, तो समझदार हैं। विधानसभा में भी बोल रहे हैं कि हम ही मतलब बीजेपी है। और आपने जो कहा कि हाँ महंगाई मोदी जी तिगुना कर दिए, गरीब के थाली में आज रोटी नहीं है, नमक पर भी महंगा हो रहा है, खाने पीने की जितना भी जितने भी सामग्री है सबका दाम तिगुना हो गया, मोदी जी नहीं किए हैं, बेरोजगारी बढ़ गया, मोदी जी सिर्फ मंदिर का नाम लेते हैं, तो भगवान के तो उनसे ज़्यादा भक्त हम लोग खुसर हैं, हम लोग खुसर भगवान के मानते हैं। तो राजनीतिक देश के अंदर में धर्म का राजनीतिक नहीं होना चाहिए, विकास का राजनीतिक होना चाहिए। और विकास का बात करें तो मोदी जी कहीं नहीं है विकास में, विकास में जीरो है, राम मंदिर में हीरो है।